खबर अमेठी के थाना शिवर्तनगंज गांव के रामपुर कुकवाहा से है, जहां रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात से लोगों में हड़कंप व दहशत का माहौल है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि महिला शीतला देवी पत्नी धर्मराज ने बीती रात अपने दो मासूम बच्चों 6 वर्षीय निधि व 3 वर्षीय रितेश की धारदार हथियार से गला काट कर निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद वह स्वयं फांसी के फंदे से झूल गई। मां ने ममता को शर्मसार करते हुए खुद की कोख से जन्मे बच्चों को मौत की नींद सुला दी। सुबह लगभग 8:30-8:40 में हम लोग सूचना मिली कि अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है। इनकी माता जी ने पूरे मोहल्ले में बताया, उन्होंने फिर लगभग 10-12 लोग ग्राम प्रधान सहित लोग आए तो दरवाजा खोला गया। फांसी से लटके हुए बच्चे नीचे लेटे हुए, जानकारी हुई कि इसके साथ ने बताया, हम लोग चौराहे बैठे थे आधा लोग, अभी बच्चे उठे नहीं, ना ये उठी है, आवाज दिया बोल भी नहीं रही। हम लोग 10-12 लोग आए यहाँ, आवाज दिया फिर भी नहीं बोली। उसके बाद हम लोगों ने पैर लात मारा, उसके बाद दरवाजा टूटा, देखा ये लटकी हुई थी। उसके बाद हमने सब प्रशासन को फोन किया, जिसको जाना जाए प्रशासन आया, फिर उसने तारा उतारा इसको देखा। घटना की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमेठी इलामारण मौके पर पहुंचे और मौके वारदात का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रभारी निरीक्षक शिवर्तनगंज अमृत सिंह को विविध कार्रवाई करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी इलारम ने कहा कि प्रथम दृष्टि या आत्महत्या का मामला लगता है, बाकी घटना से संबंधित अन्य जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, आज सुबह लगभग 8:30 बजे थाना शिवर्तनगंज को थाना कुकहा रामपुर से एक सुसाइड के बारे में सूचना मिली थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। जांच के दौरान पता चला है कि इसी गांव में एक शीतला देवी है, लगभग 30 साल का उम्र है। ये दोनों बच्चों का गला काटकर वो भी खुद फांसी लगा के सुसाइड कर ली थी। फिर गांव वाले ने 4-5 लोग मिला के दरवाजा तोड़ के इसको चेक किए थे, ये तीनों की डेथ हुआ था। फिर पुलिस ने तीनों बाड़ियों का अभी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल इस दिल दिला देने वाली घटना से क्षेत्र में सनसनी व परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि सुबह काफी देर तक जब बहू और बच्चे नहीं उठे तो मैंने बच्चों के नाम लेकर आवाज लगाई, फिर भी कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद पड़ोसियों से गुहार लगाई गई। ग्राम प्रधान अशोक कुमार रावत सहित अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देख कर सभी आवक व दंग रह गए। वही दोनों बच्चे के गला धारदार हथियार से कटे हुए थे और खुद माँ भी फांसी के फंदे पर झूलती नजर आई।